सोए गए जिए एक बॉल, और गए जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ चली जाती है, क्योंकि गए यहाँ पर ग्रेविटी वर्क कर रही है। लेकिन गए क्या होगा अगर मैं इस बॉल को यहाँ पर छोड़ूं और ये अपने आप ऊपर चले जाए। सो गए जब आप सोच रहे होंगे कि कैसा मजाक है, लेकिन गए ये कोई भी मजाक नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर के कोई भी ग्रेविटी वर्क नहीं करती है, और गाइज वहाँ पर जब भी हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो अपने आप ऊपर की तरफ चली जाती हैं। सो गाइज जब भी आप उस जगह को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, तो चलिए मैं लेकर के चलता हूँ आपको उस जगह पर। सो गाइज जब भी आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने एक कटोरी रख करके इस लकड़ी को ऊपर किया हुआ है। लेकिन गाइज कमाल की बात है कि जब भी मैं यहाँ पर इस कोई भी चीज़ रखूँगा तो वह चल करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। चलिए मैं आपको यहाँ पर इस टेप को रख करके दिखाता हूँ। तो देखा गाइज आपने, मैंने जैसे इस टेप को यहाँ पर रखा तो ये चल करके ऊपर की तरफ चली गई, और गाइज यहाँ पर कोई भी ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही है, और गाइज कोई भी वीडियो एडिटिंग नहीं है। चलिए मैं आपको ये पेन रख करके दिखाता हूँ यहाँ पर। सो देखा गाइज आपने, ये ना बहुत ही मजेदार चीज। चले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल करके दिखाता हूँ। लेकिन गाइज जब भी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो चलिए आपको मैं इसके पीछे का पूरा बिहाइंड द सीन बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का सेटअप तैयार कर रखा था, और गाइज ये आपको देखने में एक इल्यूजन की तरह लग रहा है। सो गाइज जो यहाँ पर ये व्हाइट वाली लकड़ी है, यह इसकी ढलान ऊपर की तरफ नहीं है बल्कि नीचे की तरफ है। लेकिन गाइज ये आपको देखने में एकदम ऐसा लग रहा है कि इसकी जो ढलान है ऊपर की तरफ है। सो गाइज यहाँ पर ये पूरी तरह से आपकी आंखों का धोखा है, और गाइज यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एंटी ग्रेविटी नहीं है। और गाइज मैंने इस मूर्ति को भी यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाया हुआ है, ताकि गाइज ये देखने में और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगे। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना, और इस तरह के और भी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।